स्टूडेंट्स, हमने अब तक अपनी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर पढ़ लिया है और हमने साथ ही में बचेंद्री पाल जी के बारे में भी पढ़ा था। आज हम सुदीप्ता सेनगुप्ता इनकी कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है सुदीप्ता सेनगुप्ता चट्टान पाठिका और इस कहानी के लेखक हैं वीना प्रसाद। जब सुदीप्ता बाबा के साथ गणित करने बैठती थी, उसका मन पहाड़ों की ओर चल पड़ता था। वो चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर चढ़कर बर्फीली चोटियों को जीतने के सपने देखती रहती हैं। वह पर्वतारोही बनने के सपने देखती हैं। जल्द ही सुदीप्ता के स्कूल के दिन समाप्त होते हैं और वह कॉलेज में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लिए आवेदन करती हैं। वहाँ उसे एक प्रोफेसर मिलते हैं जो उसे केवल भौतिक विज्ञान की जगह भूविज्ञान पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। भूवैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि उनका गठन कब और किस तरह हुआ। पढ़ाई के दौरान सुदीप्ता को चट्टानों के नमूने एकत्रित करने पड़ते हैं। वह अन्वेषण पर जाती है, दूर दूर तक पैदल चलती है, पहाड़ों पर चढ़ती हैं और दुर्गम एकांत जगहों तक का सफर करती हैं। वह दुनिया के हर प्रांत की चट्टानों का अध्ययन करती हैं। वह समझना चाहती हैं कि धरती के अलग अलग बल किस तरह चट्टानों के विकृतियां पैदा करते हैं। सुदीप्ता कॉलेज के बाद भी लंबे समय तक इन चीज़ों का अध्ययन करती रहती हैं। कुछ समय में वह चट्टानों को किताब की तरह पढ़ने लगती हैं। वह यह बता सकती हैं कि कौन से चट्टान भूकंप से निकले हैं और कौन से पहाड़ का हिस्सा रहे हैं। वह पहाड़ों पर चढ़ती रहती हैं। विश्व के सबसे दुर्जय शिखर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दो पर्वतारोहियों में से एक तेनजिंग नोर्गे से उसे पर्वतारोहण की गहन शिक्षण मिलता है। धरती के बहुत भीतर बहुत उच्च दाब और गर्मी के कारण वहां की चट्टानें नरम होती हैं। यह चट्टानें विकृत हो सकती हैं, अर्थात इनका आकार बदल सकता है। पृथ्वी की ऊपरी परत की ओर दबाव कम है, यहाँ चट्टानों में दरारें बढ़ सकती हैं। कभी कभी एक ही चट्टान पर अलग अलग शक्तियाँ तथा समय काल का प्रभाव पड़ता है, ऐसे में इसका आकार कई बार बदलता है। चट्टानों की खोज सुदीप्ता को अनोखे अन्वेषणों पर अनदेखे स्थानों तक ले जाती हैं। एक बार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध सिंह भूमि की चोटियों पर चढ़ते हुए उनका मार्गदर्शक यानी गाइड चिल्ला उठता है, हाथी हाथी भागो भागो। थैली में भरे हुए चट्टानों के नमूनों को संभालते हुए सुदीप्ता यथाशक्ति दौड़ने लगती है, मगर कहाँ है हाथी? उसे तो सिर्फ जंगली सुअर और हिरणों के पदचिन्ह दिखते हैं। एक अन्य समय वह स्कैंडिनेविया के कलेडोनाइड्स पर्वतमाला के अभियान पर थी। सांझ का समय हो रहा था और वह एक संकरी कड़ी चट्टान पर थी, जब अचानक धुंध छा जाती है। धुंध इतनी गाढ़ी कि उसे अपने हाथ नहीं दिख पाते। एक घंटे तक सुदीप्ता वहां एक बुत की तरह जमी रहती हैं। एक सुध भी हिलती तो चट्टान से गिर जाने की पूरी आशंका थी। अगले दिन वह एक हरी भरी घाटी से गुजर रही थी, मगर ये घास नहीं था, दलदल था और सुदीप्ता उसमें डूबने लगती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह वहां से खुद को निकाल लेती है और किसी तरह शिविर तक लौट जाती है। बड़ा बहादुरी का काम किया। सुदीप्ता को पता लगता है कि दुनिया की सबसे बर्फीली जगह एंटार्क्टिका के लिए एक अभियान रवाना होने वाला है। सुदीप्ता आवेदन भरने को उतावली थी,
परंतु अभियान महिला वैज्ञानिकों के लिए नहीं था। एक साल बाद सुदीप्ता को हैरान करते हुए एक साक्षात्कार के लिए बुलावा आता है और उसकी कल्पना से पहले ही वह समुद्री रास्ते से गोवा से अंटार्कटिका की ओर रवाना हो जाती हैं। जहाज पर एकमात्र दूसरी महिला है अदिति पंत, एक समुद्री जीव विज्ञानी। अंटार्कटिका संधि की तरह के तहत अंटार्कटिका शांति व विज्ञान को समर्पित एक प्राकृतिक संरक्षण स्थल है। सभी देश जिनका वहां डेरा है इस शपथ से बद्ध हैं कि वह उधर केवल शांति व पृथ्वी हित के लक्षणों के लिए ही शोध करेंगे। इसके अतिरिक्त वह अपने अपने शोध के परिणाम अन्य देशों से आए हुए सभी वैज्ञानिकों के साथ निशुल्क साझा करते हैं। यह पूरे विश्व के सभी देशों ने मिलकर संधि करी है। अब जानते हैं सुदीप्ता के साथ और क्या हुआ। गोवा से रवाना होने के 23 दिन बाद फिन पोलरिस नामक उनका शोध जहाज अंटार्कटिका में लंगर डालता है। जहाज पर 83 लोग हैं, जिनमें वैज्ञानिक, अभियंता एवं सशस्त्र बलों के अधिकारी शामिल हैं। वे सब मिलकर वहां भारत के पहले शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना करेंगे। दक्षिण गंगोत्री केंद्र को 1980 के दशक में आखिरी वर्षा में बर्फ के नीचे दब जाने के कारण छोड़ देना पड़ा था। जहाज के डेक से सुदीप्ता की मीलों तक केवल नीला और सफेद रंग दिखता रहता है। न पेड़, न पौधे, न जानवर, न लोग, बस केवल पेंगुइन्स के झुंड। 27 दिसंबर 1983 को सुदीप्ता और अदिति बर्फीले अंटार्कटिका की धरती पर पदार्पण करती हैं। विश्व का 90% हिम अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में चट्टानों के नमूने ढूंढना आसान नहीं है। सुदीप्ता हमेशा अनुसंधान केंद्र से निकलते हुए अपने क्लिनोमीटर, एक प्रकार का कंपास जो न केवल दिशा बताता है परंतु चट्टानों की ढलान भी दिखाता है, उसको साथ रखती हैं। और रखना जरूरी भी है ऐसे इलाके में जो हैं वो, उन्हें पता नहीं होता कि जिस बर्फ या चट्टान के पुल पर वो चल रही हैं कब टूट जाएगा या कब बर्फ के नीचे कोई खाई निकल आएगी। 4 किलोमीटर घने बर्फ की परतों पर चलते हुए उनके चेहरे पर तेज रूखी बर्फीली हवाओं के थपेड़े लगते हैं। उन्हें कहीं चट्टाने नहीं दिखती, कहाँ मिलेंगी चट्टाने? पहाड़ियों की चोटियों पर। अंटार्कटिका में पहाड़ों की चोटियां यूं ही बर्फ के बीच से बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। सुदीप्ता इन पर चढ़कर उनके नमूने ढूंढती हैं और अपने रैकसैक में लगभग 20 किलो नमूने इकट्ठा कर लेती हैं। घंटों पर घंटे बीतते जाते हैं नई और सख्त चट्टानों पर हथौड़ा पीटते हुए। ठंड इतनी ज्यादा है कि फील्ड नोट लिखने के लिए कलम का ढक्कन खोलना असंभव नहीं था। जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में एक और दिलचस्प बात। ग्रीष्म का तापमान लगभग -20 से -30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और सर्दियों में वह -89 डिग्री तक गिर सकता है। ठंड इतनी ज्यादा कि बर्दाश्त भी ना हो। सुदीप्ता अंटार्कटिका में बहुत चट्टानें इकट्ठा कर लेती हैं। बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, नुकीले कोनों वाले पत्थर और लकीरों वाले पत्थर। वो इन सब का लाखों सालों तक का इतिहास बता सकती हैं। कुछ चट्टानों में दक्षिण अफ्रीका के चट्टानों की तरह विकृतियां दिखती हैं और कुछ में दक्षिण भारत की निशानियां मिलती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दसियों लाखों साल पहले एशिया, अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, जिनका नाम था गोंडवाना लैंड। 20 लाख साल पहले उनके हिस्से अलग अलग होने लगे। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव पर स्थित हो गया और बर्फ से ढक गया। सुदीप्ता फिर लौटती है अंटार्कटिका। एक बार फिर वो मीलों चलती है, बर्फ पर पहाड़ों को फांदती है, नई चट्टानों की खोज करती है। वो देखती है, आकलन करती है, प्रयोगों के बारे में नोट्स लिखती है और पृथ्वी के गठन की कई कहानियां लेकर लौटती हैं। पेंगुइन्स भी उसे बाय कर रहे हैं। पत्थरों से रची कथा। सुदीप्ता ने अप्लाइड जियोलॉजी में स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करी है। इसके पश्चात उन्होंने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जादवपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। लंदन में इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस में पोस्ट डायरेक्टरल अनुसंधान के लिए सुदीप्ता का चयन हुआ। इस कहानी में लिखे जाने तक इस फेलोशिप को प्राप्त करने वाली वह एकमात्र भारतीय भूवैज्ञानिक है। सुदीप्ता ने पूर्वी अंटार्कटिका के स्किरमाचर पर्वतमाला पर भूविज्ञान अध्ययन की शुरुआत की थी। उनके इस कार्य को कोई और वैज्ञानिक ने इनके बाद आगे बढ़ाया। उन्हें प्राप्त कई सम्मानों में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1991, अंटार्कटिक पुरस्कार 2000 तथा डीएन वाडिया मेडल 2016 सम्मिलित हैं। सुदीप्ता जावतपुर विश्वविद्यालय कोलकाता के भूविज्ञान विभाग की पूर्व प्रोफेसर व INSA की वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और इसी के साथ हमने सुदीप्ता सेन गुप्ता, जो कि एक महान चट्टान पाठिका यानी रॉक रीडर हैं, उनकी कहानी को पढ़ लिया।